नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसमें 4 और 5 मई की जो करंट अफेयर्स है, सॉरी मार्च की, 4 और 5 मार्च की जो करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जैसे कि आप हमेशा जानते हैं इस चैनल पर आपको हमेशा ही करंट अफेयर्स की वीडियोज, जो 2 दिन की करंट अफेयर्स होती है वो 1 दिन में मिलती है। 4 और 5 मार्च की करंट अफेयर्स आपको 6 मार्च को मिल रही है और 6 और 7 मार्च की आपको 8 मार्च को मिलेगी। तो इसी तरीके से 2 दिन में जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हीं को मैं आपको एक वीडियो में लाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 4 और 5 मार्च के करंट अफेयर्स हैं और इस वीडियो में, इस चैनल पे सिर्फ आपको करंट अफेयर्स ही मिलती है। तो यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में ओसामा बिन लादेन के बेटे हाजिम बिन लादेन का पता लगाने वाले को $10,00,000 का इनाम देने की घोषणा की है। जो भी ओसामा बिन लादेन के बेटे हाजिम बिन लादेन का पता लगाएगा उसको $10,00,000 इनाम में दिए जाएंगे, और ये जो घोषणा की है वो अमेरिका के द्वारा की गई है, ठीक है, अमेरिका। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसे हाल ही में चाय बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, चेयरमैन का चेयर बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है पी के बेजेत बरुआ को जो चाय बोर्ड है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो पी के बेजेत बरुआ ने इसको चेयरमैन चुना गया है। दूसरी बात, जो चाय बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो चाय बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में। और तीसरा प्रश्न है हमारा कि किस इंडिया टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में फिर से ICC क्रिकेटर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप देखिए, कुछ समय पहले ये जो भारतीय क्रिकेट मतलब जो BCCI है उसके द्वारा भारतीय क्रिकेट जो टीम है उसके कोच के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, और अब ये क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं ICC क्रिकेट समिति के, और इनका नाम है अनिल कुंबले। और चौथा प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को किस राज्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया, तो किस राज्य से इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें देखिए वास्तव में होता क्या है, ये एक तरीके से बीमा योजना है, बीमा योजना जो वृद्धावस्था में मतलब यहाँ पर पैसे मिलते हैं एक तरीके से। तो ये आजकल योजना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, 3,000 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाते हैं, और इसमें लगभग 18 से लेकर 40 साल तक के जो मतलब व्यक्ति हैं वो इसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने एक नीचे वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसके बारे में डिटेल से वहाँ पर जान सकते हैं, है ना। तो आप नीचे लिंक है, आप वहाँ पर जाइए और वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से पूरी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये जो योजना शुरू की गई है वो गुजरात के द्वारा शुरू की गई थी, गुजरात, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है गुजरात, तो इसका आंसर गुजरात है। और पांचवा प्रश्न है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, तो शुरू के एक हफ्ते में ही 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किए गए, तो ये 3 रिकॉर्ड लगातार बने। तो ये बताता हूँ मैं, है क्या कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, तो वो था कि 10,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाई, एक साथ सफाई की, तो इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले जो अधिक लोगों का मतलब एक साथ सफाई करने का रिकॉर्ड था वो ढाका में था, ढाका बांग्लादेश में, तो ये रिकॉर्ड जो है अब उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगा था उसने तोड़ दिया है। दूसरा क्या था यहाँ पे, तो मतलब यातायात के तौर पर यहाँ पे 510 बसें चलाई गई थी दूसरे दिन ही, तो ये भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है किसी एक मेले में 5,000 शटल, मतलब शटल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 510 बसें चलाई गई थी, तो ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड बना कि 6,000 बच्चे थे, 6,000 छात्र छात्राएं और आम नागरिक थी, उन्होंने अपने हाथों के पंजों से कलर लगा के लिखा था जय गंगे नाम से एक बड़ी पेंटिंग बनाई थी, अपने हाथों के पंजे पे कलर लगा के जो पेंटिंग पेंट कर देते हैं ना, पेंटिंग बनाते हैं, उस तरीके से 6,000 बच्चों ने एक साथ लिखा था जय गंगे। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो साउथ कोरिया के नाम था, साउथ कोरिया के जो सियोल है वहाँ पे लगभग 4,500 लोगों ने एक साथ मिलकर पेंटिंग बनाई थी अपने हाथों के पंजों से, और ये 6,000 लोगों ने इस बार कुंभ बनाई है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो 3 रिकॉर्ड पहले हफ्ते में ही
जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें शामिल कर लिए गए थे। और एक बड़ी बात और थी इसमें, हालांकि उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया, तो कुंभ में 5 करोड़ लोगों ने एक साथ गंगा नदी में डुबकी लगाई थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, हालांकि इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया है। तो ये 3 रिकॉर्ड थे जिनको इसमें शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा 6ठा प्रश्न है कि अमरीका में स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। तो पराली, देखिए पराली क्या होता है, जो चावल की फसल जो होती है, चावल की फसल से चावल निकाल लिया जाता है और उसके बाद नीचे रह जाते हैं, उसे पूला भी बोलते हैं हिंदी, मतलब शुद्ध हिंदी में पूला बोलते हैं, और उसे पराली भी बोलते हैं, मतलब चावल निकालने के बाद जो नीचे का, देखिए इस तरीके से एक फसल होती है, चावल तो आप सभी जानते होंगे, जो चावल के नीचे वाले पूला होते हैं उसको जला दिया जाता है, तो उससे एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। तो वो किस देश को होता है, तो वो भारत को होता है। भारत में अधिकतर स्थानों पे पोलों को जला दिया जाता है और कहीं कहीं इस्तेमाल में ले लिया जाता है, लेकिन अधिकतर स्थानों पे उसको जला दिया जाता है, इसी कारण उसको एक साल में 2 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है भारत को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 7वां प्रश्न है हमारा कि इसरो का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम प्रति एक वर्ष किस निम्नलिखित में से किस कक्षा मानक से छात्र का चयन करेगा, मतलब जो बचपन से ही बच्चों में वैज्ञानिक मानसिकता आए, तो इसके लिए जैसे तरीके से एक होता है नवोदय, नवोदय होता है उसमें भी बच्चों को 6th क्लास से ले लिया जाता है, उसी तरीके से इसरो का ये कार्यक्रम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, तो इसमें बच्चों को 9वीं क्लास से पढ़ाया जाएगा, उनको वही शिक्षा दी जाएगी जिनका संबंध वैज्ञानिक कार्यक्रमों से है। तो ये इसरो के द्वारा चलाया गया हुआ एक कार्यक्रम है, ठीक है। तो 9वीं क्लास से इसमें जो 9th क्लास है उससे में एडमिशन मिलेगा। और 8वां प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से किस संगठन को 5 साल के लिए बंद कर दिया, 5 साल के लिए उसमें बैन लगा दिया गया है, तो वो कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है, तो वो है जमानत ए इस्लामी जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस संगठन का नाम भी है, उस पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और इसका जो मतलब बंद करने का कारण वो ये है कि इसके जो अधिकतर नेता हैं वो मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, अलगाववादी हैं, तो इसलिए उन पर 5 साल के लिए संगठन को बंद कर दिया गया है। और हमारा 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न मैंने आपको जो 1 और 2 तारीख की करंट अफेयर्स थी उसमें बता दिया था कि CBI का जो निदेशक नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था, CBI का निदेशक, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे इसका आंसर, ऋषि कुमार शुक्ला, आलोक वर्मा, आनंद किशोर या फिर अरविंद सिंह, जो भी आपका आंसर है ABC या फिर D, आप मुझे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दूसरा और हमारा 10वां प्रश्न है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम निम्न में से किस भारतीय संस्थान या फिर संगठन के द्वारा शुरू किया गया है, तो वही बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें स्कूली बच्चों को लिया जाएगा और उनको शिक्षा दी जाएगी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वो किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के फुल फॉर्म क्या है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसके फुल फॉर्म है। और इसका जो ये बेंगलुरु का जो बेंगलुरु में जो इसका वो है मुख्यालय, तो वहीं पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और 11वां प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2019 को गुजरात के किस शहर में पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। देखिए जो मेट्रो आप गुजरात के किस शहर में चली है जो हरी झंडी दिखाई, तो वो है अहमदाबाद में। और जो सबसे पहले मेट्रो चली थी वो कोलकाता में चली थी, कोलकाता में सबसे पहली मेट्रो 1962 में चल गई, 1972 में चल गई थी, ठीक, चल छोड़। और 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने यरूशलम में अपना वाणिज्य जो दूतावास था या फिर एम्बेसी थी उसको बंद कर दिया है, तो वो क्या है, यरूशलम में जो अमेरिका की एम्बेसी की थी, अमेरिका ने उसको बंद कर दिया है। और 14वां प्रश्न है कि निर्माण प्रतियोगिक भारत CTI 2019 सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था, तो अभी मार्च में ही जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 का जो मतलब ये आयोजन किया था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन और प्रतियोगी मतलब इंडिया, टेक्नोलॉजी मतलब प्रतियोगी इंडिया, तो ये जो आरंभ किया था वो दिल्ली में किया था। और 15वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य संभवतः लोकपाल या फिर अपने विद्यालयों में लोकपाल नियुक्त करने वाला पहला राज्य होगा, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने विश्वविद्यालयों में एक लोकपाल की नियुक्ति करेगा, इससे पहले
मतलब किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय में लोकपाल को नियुक्त नहीं किया गया तो वो महाराष्ट्र करेगा। महाराष्ट्र ऐसा पहली बार करेगा जो महाराष्ट्र सरकार है वो विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान करने के लिए जो कृषि विश्वविद्यालय उनको छोड़ के कृषि विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जाएगी, सिर्फ कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें एक लोकपाल नियुक्त होगा, ताकि वो जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी शिकायतों को सुन सके। तो ये महाराष्ट्र सरकार में होगा, महाराष्ट्र में होगा। और हमारा 16वां प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो जो विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला शहर है वो है गुरुग्राम। तो इसमें गुरुग्राम मतलब जो जिसका पहले नाम गुड़गांव था, अब उसका नाम गुरुग्राम हो चुका है बदल कर। तो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम, ठीक। और हमारा 17वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे, तो जो T20 क्रिकेट है, सबसे कम पारियों में 2200 रन, ये 2200 है, 2200 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कौन है? तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने सबसे कम पारियों में 2200 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट के जस्टिस वाल्मीकि मेहता का हाल ही में निधन हो गया। तो वाल्मीकि मेहता जो है वो किस हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो वो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और इनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मत करना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सर वैसे। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ भी कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का दिया है आपको, और उसको भी देख सकते हैं। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद।